अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी ने टोस्ट तो बहुत खाए होंगे और सैंडविचेस भी। आज मैं आपके ब्रेकफास्ट को बना दूंगी बहुत ही ज़्यादा उम्दा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस इस मसाला टोस्ट के साथ। तो सबसे पहले लिया है हमने एक बोल में ऐड करेंगे बड़ी सी छनली और एक कप भरकर बेसन। बेसन को इस रेसिपी के लिए हमें छान लेना है, क्योंकि जब हम इसको छान कर बनाएंगे और जब हम इसको ब्रेड पे इसकी कोटिंग करेंगे तो बेसन हमारा अंदर तक पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो हमें बेसन को इस रेसिपी में छान कर ही करना है। तो छानने के बाद बेसन पतला हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बारीक। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज, जिसमें है प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च। तो टमाटर ना बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपके साइड सस्ते हैं ना तो आप यूज़ कर लीजिए। वैसे घर में ना अभी टमाटर थे नहीं, तो ये भी एक रीज़न है। और इसमें ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट, जिसमें है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग और 1 टीस्पून अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप नमक ऐड करें। और मसालों की क्वांटिटी भी थोड़ी मैंने कम रखी है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी घर में पसंद नहीं करते हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं ना तो आप इसमें मसाले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया था भरकर गाढ़ा दही, जो कि घर का था और ना ही ज़्यादा खट्टा है और ना ही ज़्यादा मीठा। तो आधा कप मैंने इसमें भरकर दही यूज़ की है क्वांटिटी के हिसाब से, और आधा कप ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ घर का दूध, जो इस रेसिपी को बनाएगा और भी स्पेशल। और इन सभी को कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। और आप अपने जितना आपने बेसन लिया है उसी हिसाब से आप इसमें दही और दूध की क्वांटिटी को रख सकते हैं। बस हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है कि जिससे जो कोटिंग है ना वो बहुत अच्छी सी हो जाए ब्रेड पे। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा इंग्रेडिएंट ऐड किया है जो कि टोस्ट को बनाएगा और फिर ज़्यादा स्पेशल, वो है अजवाइन। तो मैं यहाँ पर चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया है इसमें अजवाइन। हल्का सा उसको क्रश कर लिया था हैंड पे, और बस देखिए इसका जो बैटर है ना वो तैयार हो चुका है। और मैंने लिया है एक तवा, तवे पर लिया है मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल को ना ऐसे फैला लेंगे चारों तरफ। इसका रीज़न ये है कि जब हम इस पे ब्रेड को रखेंगे ना बेसन में कोटिंग करके, तो ब्रेड आपके नीचे से नहीं लगेगी। क्योंकि मेरे पास अभी नॉन स्टिकी पैन नहीं है तो मैं तवे का ही यूज़ कर रही हूँ। तो आपको एक स्पेशल ट्रिक बता रही हूँ कि जिससे आपका बेसन भी नीचे ना लगे और ब्रेड बिल्कुल भी देखने में ख़राब ना लगे। बस आपको क्या करना है, अब ब्रेड को कोटिंग करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। हैंड की हेल्प से कोटिंग करेंगे, स्पून का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो जो आपका ब्रेड है ना वो टूट जाएगा। तो हैंड की हेल्प से आराम से बेसन को उठा उठा कर ब्रेड पे लगाएंगे, और लिक्विड आपको इतना ही रखना है बेसन को कि ईज़िली वो लग जाए इस पे से, मतलब इतना स्लिपरी ना हो कि ब्रेड पे से उतर जाए। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने ब्रेड को रख दिया है तवे पर, और बिल्कुल भी ये अंदर से मतलब बेसन बिल्कुल नहीं गिरा है। और 2 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे, याद रखिएगा हाई फ्लेम पर हमें इसको नहीं सेकना है। और फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से सेकने के बाद हम इसको फिर लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे, ऐसे ही दबा दबा कर प्रेस कर करके। और देखिए जो बेसन है ना वो नीचे भी बिल्कुल नहीं लगा है, बेसन हमारा बिल्कुल अंदर तक मतलब सिक जाना चाहिए, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए कि आप इसको किसी के सामने सर्व करें या बच्चों के टिफ़िन में दें या ब्रेकफास्ट में खाएं तो आपको कच्चा कच्चा लगे। याद रखिएगा पहले इसे मीडियम फ्लेम पर सेकना है, फिर लो फ्लेम पर, और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो रेसिपी बनकर तैयार है, खाएं इसे चाय के साथ, शेयर करें।